विधायकों को रिश्वत केस में मिला विशेष अधिकार, क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूँ राधा गौड़, द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के 7 जनों की बेंच ने संसदों और विधायकों के विशेष अधिकार से जोड़े केस में फैसले सुनाते हुए कहा है कि संसद विधान मंडल में भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेना संसद के विशेष अधिकार के दायरे में नहीं आएगा। यानी अब अगर संसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन के भाषण देते हैं या वोट देते हैं तो उन पर कोर्ट में अपराध का मामला चलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा, विधायी विशेष अधिकारों का उद्देश्य समूह रूप में सदन को विशेष अधिकार देना है। अनुच्छेद 105/154 संसदों के लिए एक भव्य मुक्त वातावरण बनाने के लिए भ्रष्टाचार और रिश्वत संसदीय लोकतंत्र को बर्बाद करने वाला है। कानूनी मामले को वेबसाइट लाइव ला के अनुसार CJI ने 198 की PV नरसिम्हा राव केस में दिया गया फैसले का जिक्र करते हुए कहा, पीवी नरसिम्हा राव केस में फैसला एक विरोधाभासी स्थिति पैदा करने वाला फैसला है, जहां एक विधायक जो रिश्वत लेता है और उसके अनुसार वोट देता है तो वो सुरक्षित है। साल 1998 में 2-3 के बहुमत से 5 जजों को बेंच में पीवी नरसिम्हा राव बनाम भारत राजस्थान। साल 1998 में 3-2 के बहुमत से 5 जजों की बेंच में पीवी नरसिम्हा राव बनाम भारत गणराज्य मामले के फैसले दिए। साल 1998 में 3-2 के बहुमत से 5 जजों के बेंच में पीवी नरसिम्हा राव बनाम भारत गणराज्य मामले में फैसला दिया था कि विधायकों संसदों को संसद और विधायक मंडल में अपने भाषण और वोटों के लिए रिश्वत लेने के लिए मामले के औपचारिक मुकदमे से छूट होगी। देखिए क्या है मुख्य कारण, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ।